यस स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 चैप्टर बेटा नया स्टार्ट करेंगे आज हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्ट। तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जिसके अंदर फॉर्म में एक नया पार्टनर आगे ज्वाइन करता है। जब एक नया पार्टनर फॉर्म को ज्वाइन करता है तो पुरानी फॉर्म में जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, उन बदलाव को पढ़ने के लिए चैप्टर आपका एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर फॉर्म में आ गया और नए पार्टनर के आने पर फॉर्म में बदलाव हुए। बदलाव कौन कौन से हुए? पहला बदलाव आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स का प्रॉफिट और लॉस पार्टनर का जो रेशियो है, रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे फर्म में पहले दो पार्टनर थे तो प्रॉफिट लॉस दो पार्टनर बांटते थे, अब फर्म में तीन पार्टनर हो गए तो प्रॉफिट लॉस जो बांटेंगे वो तीन पार्टनर बांटेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी ओल्ड पार्टनर सी न्यू। तो इस चैप्टर में रेशियो आपके तीन तरह के होते हैं। पहला रेशियो को हम कहते हैं ओल्ड रेशियो, दूसरा रेशियो होता है आपका न्यू रेशियो, और तीसरा रेशियो इसमें आपका होता है सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो फर्म के ओल्ड पार्टनर्स का होता है, न्यू रेशियो फर्म के सारे पार्टनर्स का होता है, और सैक्रिफाइस रेशियो भी फर्म के ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है। जैसे अगर एग्जांपल के आधार पर करें तो ओल्ड रेशियो होगा वो होगा ए और बी का, जो न्यू रेशियो होगा वो होगा ए बी और सी, यानी कि फर्म के सारे पार्टनर्स का, और जो सैक्रिफाइस रेशियो होगा ये भी फर्म के ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा, यानी कि ए और बी का। ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का, सैक्रिफाइस रेशियो फर्म के ओल्ड पार्टनर्स का, और न्यू रेशियो भी जो न्यू रेशियो फर्म के सारे पार्टनर्स यानी ऑल पार्टनर्स का होगा। अब सवाल आता है इन्हें कंप्यूट कैसे किया जाता है, इनकी कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन के लिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, अगर आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दें तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आ जाएगा, और अगर आप क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालना चाहते हैं, अगर आप ओल्ड रेशियो में से टोटल सेक्रीफाइस माइनस करें, क्या माइनस करें, टोटल सेक्रीफाइस, तो जो निकल के आएगा वो हमारा न्यू रेशियो आएगा। तो ये हमारे इन रेशियो को कंप्यूट करने का तरीका होता है। टोटल सैक्रिफाइस, टोटल सैक्रिफाइस की पहचान होती है इफ ओल्ड पार्टनर्स टोटल सैक्रिफाइस एडेड वी गेट न्यू पार्टनर शेयर। अगर हम ओल्ड पार्टनर्स के टोटल सैक्रिफाइस को एड कर दें तो हमें पास न्यू पार्टनर का शेयर निकल के आ जाएगा। ये टोटल सैक्रिफाइस की हमारे क्वेश्चन के अंदर पहचान है। तो इन पर बेस कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे, इन्हें कंप्यूट करने का तरीका होता है कि ये रेशियो कंप्यूट कैसे किया था, कंप्यूट करने का तरीका क्या होता है। तो इन पर बेस आपकी पांच तरह की प्रॉब्लम है, आपके फाइव टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक, जिन्हें हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं एक बात, ये जो सैक्रिफाइस होता है हमारा, ये कुछ स्पेशल वर्ड जैसे क्वेश्चन में एक्वायर लिखा हो
गिव्स टेक्स सरेंडर, ये कुछ वर्ड हैं जो हमारे क्वेश्चन में शो करते हैं इस क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइस गिवन है। इन पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वन, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, इसकी पहचान इफ ओनली ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर शेयर गिवन। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे रखा है और आपको सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है और इसके अलावा क्वेश्चन आपकी कोई इन्फॉर्मेशन जो है इसमें नहीं दे रखी। ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी इसकी। हमारी क्वेश्चन देखिए इसमें, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एस न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। फाइंड न्यू एंड सेकेंड। ये आपकी पहली प्रॉब्लम है जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। ए और बी फर्म में दो पार्टनर है, रेशियो दे रखा है कितना इनका 3:2 और इन्होंने एडमिट किया फर्म में किसको, सी को नया पार्टनर बना के, और सी फर्म में 1/5 शेयर के लिए आया। क्वेश्चन में न्यू और सेकेंड रेशियो फाइंड करना आपका। देखो वैसे अभी थोड़ी देर डिस्कशन होता हमारे पे कि न्यू रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन में सेक्रीफाइस दिया होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस नहीं दे रखा है। अगर क्वेश्चन में आपसे न्यू रेशियो निकालने के लिए कहा और सेक्रीफाइस नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन में फिर जो फॉर्मूला न्यू रेशियो का हमने अभी पढ़ा था वो यूज नहीं होगा। फिर क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैसे निकल के आता ये हम देखते हैं। इसमें हम मान के चलते हैं, लेट द होल शेयर, पता तो हमें है नहीं, लेट द होल शेयर ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू 1। हमने पूरी फर्म की शेयर को 1 माना, 1 में तीनों पार्टनर्स आ गए ए बी और सी, जिसमें से सी का आपको अकेले न्यू शेयर पता है, ये बताया 1/5। हमारे पास अब जो बचा वो हुआ रिमेनिंग न्यू शेयर, 1 में से 1/5 घटा दो, ये आया 4/5 और ये बचा ए और बी का। अब इस 4/5 में से क्या ए को मिलेगा और क्या बी को मिलेगा, अगर क्वेश्चन में बता रखा है जैसा कह रखा है वैसा करेंगे, नहीं बता रखा है तो हम ये मान लेते हैं कि जैसे ए और बी को पहले मिलना था वैसे ही उन्हें। तो इसके अंदर बेटा आपको हमने माना, लेट द होल शेयर ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू 1, सी का शेयर क्वेश्चन में गिवन 1/5, रिमेनिंग शेयर बचा 1 में से 1/5 लेकर 4/5, ये ए और बी का है। अब ए गेट इन 4/5 इज एस सेम एस ओल्ड मींस 3/5, ए को क्या मिला जितना पहले मिला था, मींस जो न्यू शेयर हो गया इसका 4/5 × 3/5 यानी कि 12/25। ऐसे भी 4/5 × 2/5 8/25
25 और सी का शेयर क्वेश्चन में दे रखा है 1/5 बेस सेम करना है 5 से ऊपर से मल्टीप्लाई 5/25 यू रेशियो आ गया आपका 12 8 और ये 5 ये निकल के आया आपका न्यू रेशियो क्वेश्चन में 12 8/5 का। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला है वही है ओल्ड माइनस न्यू ए का ओल्ड 3/5 ए का न्यू 12/25 एलसीएम आया 25 5 × 25 5 × 15 -12 8/25 बी 2/5 -8/25 एलसीएम आया 25 5 × 25 5 × 10 -8 2/25 ये सॉरी 3/25 तो ये आया 3:2। अगर आप देखें तो जो आपका ओल्ड है वही सैक्रिफाइस आया। तो इस तरह की क्वेश्चन में ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू 3:2 हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन सब फर्स्ट प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम है नहीं। ओके।